कोविड-19 के बचाव को लेकर समूचे देश में कर्फ्यू का माहौल लगातार जारी है। पुलिस विभाग जहां एक ओर लगातार शांति का माहौल बनाए रखे हुए है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी दिन प्रतिदिन नए प्लान तैयार करके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 3 अप्रैल से जिला भर में एक्टिव फाइंडिंग केस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान में जिला बिलासपुर की 500 हेल्थ वर्कर सहित आशा वर्कर भाग लेंगे, जिसमें डोर टू डोर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही उनसे कई सवाल भी पूछे जाएंगे, जिसमें कोविड-19 से रिलेटेड प्रश्न किए जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति बाहरी राज्यों सहित विदेश से आया है तो उसकी सारी हिस्ट्री का रिकॉर्ड लिया जाएगा। जिला अस्पताल बिलासपुर के ट्रामा सेंटर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश दड़ोज की अध्यक्षता में विशेष ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के BMOs मौजूद रहे। इस दौरान आशा वर्कर सहित हेल्थ वर्कर्स को डोर टू डोर जाकर स्क्रीनिंग करने के बारे में ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में आशा वर्कर्स को बताया गया कि कोरोना वायरस के लक्षण वाले लोगों पर पैनी नजर रखें। अगर किसी को खांसी व बुखार के लक्षण पाए जाते हैं तो उक्त व्यक्ति को हर 3 दिन बाद जाँच के लिए टीम घर जाएगी। अपने लेवल पे भी कर रहे हैं, और इतने दिनों से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो फॉरन से लोग आए थे, उनकी जो हमारे पास लिस्ट थी या जिन्होंने सेल्फ रिपोर्ट किया था, उनको हमने घरों में रखा हुआ है क्वारंटाइन करके। एटलीस्ट वो 28 डेज तक घरों में रहेंगे, लेकिन अब काफ़ी दिन निकल चुके हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने अभी भी रिपोर्ट ना किया हो, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी कोरोना पॉजिटिव केस के साथ कॉन्टैक्ट में हों, या बाहर वाले किसी राज्य से वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एंटर किए गए हों। तो ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्टिव केस फाइंडिंग फॉर कोरोना वायरस या कोविड-19 केसेस, ये हम चला रहे हैं। ये 3 तारीख से लेके 7 दिन तक चलेगी, और इस दिन क्या होगा कि हमारे पास जितनी आशा वर्कर्स हैं, तकरीबन 500 के करीब हम टीमें बनाएंगे, और उसमें एक आशा वर्कर होगी, दूसरा हेल्थ वर्कर होगा, या और डिपार्टमेंट्स जैसे आयुर्वेदा के, या टीचर्स, या हमारे जो HIV/AIDS वाले लोग हैं वो होंगे। तो ये 2 मेंबर की एक टीम होगी, हर एक घर में जाएगी, जितने घर में मेंबर्स हैं उनसे इंटरव्यू करेगी, और उनसे कुछ एक सवाल पूछे जाएंगे, जिससे हम उनके जवाब से ये तय कर पाएंगे क्या ये जो घर का कोई मेंबर है, क्या ये कोई फॉरेन से वापस तो नहीं आया, या इसकी कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं बन रही कि किसी कोविड-19 के जो केस है उसके साथ इसका कॉन्टैक्ट हुआ हो। तो ऐसे लोगों को हम ढूंढ के फिर उनको हम क्वारंटाइन करेंगे, या वो जिस भी कैटेगरी में फॉल करेंगे उनका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन पूरी पॉपुलेशन में बहुत कुछ ऐसा भी संभव है कि जो नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार के भी मरीज मिलेंगे, जिनका कोई संबंध नहीं होगा कि वो फॉरेन से आए हैं या वो किसी पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट में है। ऐसे लोगों को हम नियर बाय PHC में भेजेंगे। डॉक्टर्स को ये बोला गया है कि आप उनका ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल करें और उनका एक रिकॉर्ड रखें अपने पास, फिर 5 दिन के बाद फिर उनको एक बार जांचा जाएगा जिनको नॉर्मल खांसी जुकाम या बुखार होगा, ताकि उनमें किसी में कोई ऐसा लक्षण तो नहीं पाया जा रहा है जिससे वो केस कोरोना पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो। इसलिए गवर्नमेंट ये 3 तारीख से एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू कर रही है।